वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में एक्स एक कंपाउंड है जिसमें ब्रोमीन, जो ब्रोमीन और कार्बन का बना हुआ है, ब्रोमीन और कार्बन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन इस कंपाउंड में कितना है, दैट इज गिवन। उससे रिलेटेड पूछा गया है व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो आइए देखते हैं। तो इस कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो है ब्रोमीन और कार्बन, ठीक है, जिसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है 95.2 एंड 4.8। इफ वी सपोज दैट द मास ऑफ दिस एक्स कंपाउंड इज 100 ग्राम, तो यही परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रोमीन एंड कार्बन बन जाएंगे मास 95.2 ग्राम एंड 4.8 ग्राम। तो गिवन मास ब्रोमीन और कार्बन का 95.2 और 4.8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इनका एटॉमिक मास देख लेते हैं। ब्रोमीन का होगा 80 एमयू और कार्बन का 12 एमयू होता है, ठीक है। अब हम लोग मोल्स ऑफ ब्रोमीन निकाल सकते हैं। तो गिवन मास कितना है ब्रोमीन का, 95.2 डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास आएगा 1.19 अप्रोक्सीमेटली। सिमिलरली गिवन मास ऑफ कार्बन इज 4.8 एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.4। यहां से हम लोग मोलर रेशियो निकाल सकते हैं ब्रोमीन और कार्बन का एक्स कंपाउंड में। 0.4 से अगर आप इन दोनों मोलर वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे तो 1.19 डिवाइडेड बाय 0.4 अप्रोक्सीमेटली आएगा 3, 2.97 कुछ आएगा, जो कि आप 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 आएगा 1, ठीक है। तो एक्स का एम्पिरिकल फॉर्म्यूला हमें पता चल जाता है अगर उसका बोरोन और कार्बन का मोलर रेशियो पता हो, क्योंकि 3:1 है। तो Br3C, या फिर इसे आप लिख सकते CBr3, ठीक है। नाउ अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला CBr3 है, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, तो उसके बाद पूछा गया है इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला बताइए इफ द वेपर डेंसिटी इज 252। तो अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है CBr3, तो हम बोल सकते हैं, सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा आपका CBr3 टाइम्स n, ठीक है। तो अगर आप n का वैल्यू निकाल सकते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको पता चल जाएगा। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल मास या एम्पिरिकल वेट एम्पिरिकल फॉर्मूला से मिलेगा आपको, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, ठीक है। एंड एम्पिरिकल मास कितना हो जाएगा, थ्राइस ऑफ ब्रोमीन का आपका होगा 3 times of 80, 240, और 1 time ऑफ कार्बन, सो इसको मिला के कितना आता है 252। तो आपका n आ गया 2। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2Br6, आवर नेक्स्ट आंसर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो गया C2Br6 और एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया CBr3। इसके बाद पूछा गया है इस कंपाउंड एक्स को इथेन से कैसे बनाएंगे। द सिंपल आंसर इज
by the method of substitution. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इथेन से आप एक्स कंपाउंड पा सकते हैं. इथेन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल किया जाता है. तो यहां क्या होने वाला है देखिए, सी एच थ्री जो कि इथेन होता है, ब्रोमीन गैस के प्रेजेंस में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड टेम्परेचर ऑफ अबाउट 600 टू 800 केल्विन, क्या होगा, एक ब्रोमीन एटम इस एच का जगह ले लेगा और ये एच बचे हुए ब्रोमीन के साथ बॉन्ड करके जुड़ जाएगा. सो ब्रोमीन एटम इस एच पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बचे हुए ब्रोमीन के साथ बॉन्ड करके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, C2H5Br एंड वन हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज फॉर्म. इसी तरह रिएक्शन चलता रहेगा जब तक H है सब्स्टिट्यूशन वाला. नेक्स्ट में आपका C2H5Br अगेन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ सेम कंडीशन टू फॉर्म C2, एक H और चला गया या एक H और सब्स्टिट्यूट हो गया और उसके जगह पर आ गया एक और ब्रोमीन एंड अनदर हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड. अगेन C2H4Br रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन इन द सेम कंडीशन टू गिव C2, एक H और चला जाएगा, Br3 प्लस HBr. ठीक है, इसी तरह होता रहेगा और फिर से तो हम सिंपल फॉर्मेट को जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं. ठीक है, C2H2Br4HBr, अगेन C2H2Br4Br2, सेम कंडीशन, C2H Br5. ठीक है, HBr फॉर्म होगा, रहने देते हैं. अगेन C2H Br5 विथ ब्रोमीन इन द सेम कंडीशन विल फॉर्म C2Br6 एंड दिस इज हाउ X कंपाउंड इज फॉर्म. दिस इज X कंपाउंड विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. Thank you.